सर पहले ये था कि सैटरडे को सिर्फ 2-2.5 घंटे मार्केट खुलेगी और मंडे को मार्केट चलेगी, तो अब एकदम से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एनएससी की तरफ से कि अब मार्केट सैटरडे को बिल्कुल नॉर्मल चलेगी, अब 2.5 घंटे नहीं चलेगी, 9 से 3:30 बजे चलेगी और मंडे की छुट्टी रहेगी। तो उस वजह से एकदम से चेंज सिनेरियो चेंज हो गया है, तो यही कारण है कि मेरी वीडियो लेट आई है, नहीं तो मेरी वीडियो मंडे के लिए जो आती है वो सैटरडे की दोपहर को या संडे को आती है। तो फिर जब पता चला तो मैंने एकदम फिर आपके लिए वीडियो बना दी। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रोज की तरह, सबसे पहले तो जो हमने कल दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो दिया था हमने यहाँ पे, इसके ऊपर ब्रेकआउट फिर निफ्टी में ब्रेकआउट आया, 20,619 आपको मिला, ठीक है। फिर नीचे की ओर 20,472 के नीचे बताया था कि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये हल्का सा रेजिस्टेंस का काम इसने किया, मतलब जैसा आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही मूव किया। और सबसे शानदार, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मिड कैप निफ्टी सबसे बेस्ट है ट्रेड करने के लिए, सबसे बेस्ट चार्ट इसका था। तो यही कारण है कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट बताया हुआ था, शानदार रैली देखने को मिली, इवन 10,600 के ऊपर भी हमें एक और ब्रेकआउट देखने को मिला, ये काफ़ी अच्छी बात थी और खूब आपने रैली को एंजॉय किया होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहाँ सुबह सुबह हम पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं कि आज मार्केट कैसी रहेगी। उसके अलावा नीचे जो डीमैट अकाउंट के जो लिंक दिए वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम रुपये पे आते हैं, तो रुपये पे आपको बताया ही हुआ है, कल बताया था जिन्होंने यहाँ पे सेल किया तो एंजॉय कीजिए सेलिंग को, 83.17 के स्टॉप लॉस के साथ, नीचे 82.97, 82.93 और 82.84 टारगेट रहेंगे और ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकते। तो आइए अब हम आते हैं स्टॉक्स पर। स्टॉक्स पहले बता दें ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये सिर्फ आपको ये बताया जाता है कौन कौन से स्टॉक चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो इंटेलेक्ट फिर बार बार मेरी नज़र में यही आता है, अब फिर से इसने छोटा सा फ्लैग बनाया, फ्लैग पे ब्रेकआउट दिया है। और अगर हम आईओसी पे भी देखें तो आईओसी भी ने भी काफ़ी ज़बरदस्त और ज़्यादा ब्रेकआउट दिया है, फ्लैग पे फिर से ब्रेकआउट दे दिया है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है दोनों। अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। देखिए फिन निफ्टी ने आज बहुत बढ़िया एक चार्ट बनाया है, बहुत बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ, वैसे ट्रेडिंग करने के लायक तो नहीं था आज, पर इसने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल क्लियर कर दिए, मतलब 20,611 के ऊपर ब्रेकआउट और 20,371 के नीचे ब्रेकडाउन, ठीक, बड़ा सिंपल है। अब इसमें ट्रेड करना भी समझना भी इस चार्ट को देखो कितना आसान हो गया। 20,611 के ऊपर जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे 667, 710, 20,800, 10 EMA, 836, 50 EMA, 932, 10 EMA और 21,033 रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंस हैं, ये सारे ही रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो मतलब ये तो नो ट्रेड जोन एरिया हो गया, अगर ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, वरना जो कमाओगे वो गवा दोगे। नीचे की ओर 20,370 के नीचे ब्रेकडाउन और इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे 20,322, 233, 209 और 20,100। एक तो यहाँ सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट यहाँ पे है, अगर यहाँ या यहाँ से कहीं से भी सपोर्ट ली मार्केट ने तो 20,370 फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे। तो ये था फिन निफ्टी। अब आता है मिड कैप निफ्टी, सबसे बढ़िया चार्ट 10,620 जो आज का हाई लगा है इसके ऊपर ब्रेकआउट और इम्पोर्टेंट लेवल 644 और 670, ध्यान रहे 670 पहले भी ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि सेल ऑन राइज कर लो, नो, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बाकी 10,600 फिर सपोर्ट का काम करेगा अगर इसके ऊपर मेंटेन हो रहा, क्योंकि यहाँ पे एक जबरदस्त ब्रेकआउट है। अगर बाई चांस 573 फिर से टूटा, जिस तरह से एफ आई की पोजीशन है या जिस तरह से डाटा काम कर रहा है बाहर का, तो बाहर का डाटा तो ठीक नहीं है कॉज जैसे डॉलर इंडेक्स वगैरह, तो अगर 573 फिर से टूटा फिर से ब्रेकडाउन दिख सकता है, पर ये छोटा सा ब्रेकडाउन लेवल रहेंगे इंपॉर्टेंट 530 और 500। तो ये था मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का पूरा कंप्लीट ट्रेड सेटअप। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।